हेलो बच्चों, अभी हमने उपसर्ग पढ़े, इसके बाद अव्यय और इसके बाद प्रत्यय। उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, शब्द को शुरू में लगने वाले शब्दांश उपसर्ग। आफ्टर दैट अव्यय। अव्यय वे शब्द है जो वाक्यों के बीच में जुड़कर वाक्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं, अर्थात एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश है जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। किनके? धातुओं के। सबसे पहले तो वर्ड मेन बात धातु। धातु क्या होता है? धातु मीन्स क्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और संस्कृत में कहते हैं धातु। तो उनके अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश है उन्हें प्रत्यय कहते हैं, या हम कृदंत भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि धातु के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनकी पहचान हम परिभाषा के आधार पर करते हैं। किनके आधार पर करते हैं? परिभाषा के आधार। सबसे पहले तत्व प्रत्यय। जिन धातु के अंत में त्वा शेष रहे वहां तत्व प्रत्यय होता है। पटित्वा पट धातु तत्व प्रत्यय, गत्वा गम धातु तत्व प्रत्यय, श्रुत्वा श्रु धातु तत्व प्रत्यय, नीत्वा नी धातु कत्वा प्रत्यय और दत्वा दा धातु कत्वा प्रत्यय। तो इनकी परिभाषा के आधार पर इनकी पहचान बहुत सिंपल है। जिन धातु के अंत में त्वा शेष रहे कत्वा प्रत्यय, पटित्वा में पट धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा में गम धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, नीत्वा में नी धातु कत्वा प्रत्यय, दत्वा में दा धातु तत्वा प्रत्यय। तो प्रत्यय समझ में आ गया होगा आपको। जिन धातु के अंत में त्वा शेष रहे तत्वा प्रत्यय होता है। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की परिभाषा है, जिन धातु के अंत में तुम शेष, क्या शेष रहे? तुम शेष। जिन धातु के अंत में तुम शेष रहे वहां तुमुन प्रत्यय होता है। पट धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय, श्रोतुम श्रु धातु तुमुन प्रत्यय, नेतुम नी धातु तुमुन प्रत्यय, दातुम दा धातु तुमुन प्रत्यय। जिन धातु के अंत में तुम शेष रहे वहां तुमुन प्रत्यय होता है। पटितुम पट धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय, श्रोतुम श्रु धातु तुमुन प्रत्यय, नेतुम नी धातु तुमुन प्रत्यय, दातुम दा धातु तुमुन प्रत्यय।